नमस्कार, मैं हूं दिवांश की मोइत्रा। बॉलीवुड की फिल्मों में जितना इम्पोर्टेंट स्टार्स की एक्टिंग, डायरेक्शन, लोकेशंस, म्यूजिक होता है, वही कपड़े भी बहुत मायने रखते हैं। कैरेक्टर के हिसाब से कपड़े पहनने से फिल्म और भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वहीं आज हम एक ऐसे फैशन डिजाइनर की बात करने वाले हैं जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनीष मल्होत्रा की। मनीष का बनाया गया लहंगा तो तकरीबन हर लड़की का सपना होता है, उनके कपड़े लाजवाब होते हैं। वही चलिए, जब मनीष मल्होत्रा की बात कर ही रहे हैं तो आज हम आपको बताते हैं उन सुपरहिट फिल्मों के बारे में जिनके लिए कपड़े डिजाइन मनीष ने किए। देखिए जरा, DDLJ, शाहरुख खान और काजोल की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जितनी खूबसूरत लोकेशंस थी, उतने ही अच्छे स्टार्स के कपड़े भी। इस पूरी फिल्म में राज सिमरन ने वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल कपड़े पहने थे। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए गए इन कपड़ों की मार्केट में काफी डिमांड हो गई थी। रंगीला, आमिर खान और उर्मिला की फिल्म रंगीला में उर्मिला के सुपर बोल्ड अवतार ने लोगों को घायल कर दिया था। इस मूवी के कपड़े ट्रेंड करने लगे थे। आपको बता दें, ये फिल्म मनीष मल्होत्रा के करियर के लिए भी अच्छी साबित हुई थी। कुछ कुछ होता है, करण जौहर की फिल्म जिसमें राहुल अंजलि टीना का लव ट्रायंगल दिखाया गया था। इस फिल्म में जहां मनीष ने शाहरुख को कूल कपड़े पहनाए थे, वहीं काजोल के लिए एकदम हटके टॉमबॉय टाइप ड्रेसेस। इतना ही नहीं, इस फिल्म को देखने के बाद जनता के बीच कैप्स पहनने का भी फैशन आ गया था। ओम शांति ओम, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान स्टारर फिल्म जिसे फराह खान ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में दो अलग अलग दशकों की कहानियों को दिखाया गया था। पहले जहां 70 के दशक का फैशन दिखाया गया, वहीं दूसरे पार्ट में न्यू जेनरेशन का। देखा जाए तो मनीष मल्होत्रा ने कमाल का काम किया था। कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म के गाने, लोकेशंस सभी कमाल की थी। वहीं कपड़ों ने तो चार चांद ही लगा दिए थे। काजोल की साड़ी हो या फिर करीना की स्कर्ट्स, सभी बेमिसाल थी। करण जौहर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में काजोल, शाहरुख, करीना, ऋतिक, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन जैसे स्टार्स नजर आए थे। दोस्ताना, प्रियंका चोपड़ा, अभिषेक और जॉन की फिल्म दोस्ताना में देसी गर्ल की सुपर सेक्सी साड़ी की बात की जाए या फिर गोल्डन बिकनी की, प्रियंका का लुक लोगों को काफी पसंद आया। बता दें, प्रियंका के लिए मनीष और करण ने अमेरिका से शॉपिंग की थी। ये जवानी है दीवानी, आयान मुखर्जी की फिल्म जिसमें स्वीट सी नैना से लेकर रफ एंड टफ अदिति के कपड़ों को मनीष ने अच्छे से चूज किया। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण जो सिंपल सी लड़की है वो सेक्सी साड़ी में नजर आती है। वहीं कल की जो टॉमबॉय की तरह रहती थी, वो भी लड़कियों की तरह ड्रेसअप होने लगती। चेन्नई एक्सप्रेस, दीपिका पादुकोण की सिल्क साड़ी से लेकर कांजीवरम साड़ी तक और उसके साथ गोल्ड ज्वेलरी ने दीपिका के कैरेक्टर को और भी हसीन बना दिया था। इस फिल्म में दीपिका को पूरा साउथ इंडियन लुक दिया गया था। टू स्टेट्स, अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म टू स्टेट्स की अगर बात की जाए तो इस फिल्म के कपड़े भी मनीष ने ही बनाए थे। आलिया भट्ट के कैरेक्टर अनन्या के कॉटन टॉप एंड स्कर्ट से लेकर सिल्क के सूट और साड़ी तक सभी लोगों को काफी पसंद आए थे। राजा हिंदुस्तानी, करिश्मा कपूर और आमिर खान की फिल्म राजा हिंदुस्तानी की अगर बात की जाए तो इस फिल्म के गानों से लेकर स्टोरी तक ने लोगों को दीवाना कर दिया था। वहीं इस फिल्म में करिश्मा के कपड़े भी काफी अच्छे थे। वेलवेट ऑफ शोल्डर ड्रेस से लेकर वेल फिटेड सूट्स तक करिश्मा पर सब सूट कर रहे थे। इसके अलावा दिल तो पागल है, गुप्त, कहो ना प्यार है, मोहब्बतें जैसी तमाम फिल्मों में मनीष ने कपड़े डिजाइन किए। वेल, आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ।